हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान सीएचओ के टॉप एमसीक्यूज के बारे में। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, राजस्थान के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जो एग्जाम होने वाला है 19 फरवरी को, उसके इम्पोर्टेंट एंड टॉप एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रेडियस बोन इज लोकेटेड। रेडियस बोन कहां पे लोकेटेड होती है? तो ऑप्शन ए, इन द अपर पार्ट ऑफ द आर्म, आर्म के अपर पार्ट में। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑन द थंब साइड ऑफ द लोअर आर्म। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑन द लिटिल फिंगर साइड ऑफ द लोअर आर्म। एंड लास्ट वन ऑप्शन डी, एट द शोल्डर आर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑन द थंब साइड ऑफ द लोअर आर्म। यानी कि जो रेडियस बोन होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है ऑन द थंब साइड। और जो अल्नर जो बोन होती है वो कौन सी साइड होती है, लिटिल फिंगर की साइड पे। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सीएचओ एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द पार्ट ऑफ ब्रेन। जो रेस्पिरेटरी जो सेंटर है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड होता है? तो ऑप्शन ए मेड्यूला, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी मिड ब्रेन और ऑप्शन डी सेरिबेलम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, थायराइड इज इफेक्टिव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ। थायराइड किसकी प्रेजेंस में इफेक्टिव होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आयोडीन। ठीक है, थायराइड इज इफेक्टिव ओनली प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द नॉर्मल पीएच ऑफ बॉडी फ्लूड्स। बॉडी फ्लूड्स की नॉर्मल पीएच कितनी होती है? ऑप्शन ए 9.6 to 9.9। नेक्स्ट ऑप्शन बी 4.4 to 5.0। ऑप्शन सी 7.3 to 7.45। एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो इसके अंदर पूछा गया है बॉडी फ्लूड्स के बारे में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो ऑप्शन सी 7.3 to 7.45 इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर है। तो हमारा बॉडी का जो फ्लूइड होता है उसका नॉर्मल पीएच कितना होता है, 7.3 to 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द फाइब्रस टिश्यू कनेक्टिंग बोन टू बोन इज कॉल्ड। यानी कि बोन से बोन जो कनेक्ट होगी उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कार्टिलेज, ऑप्शन बी टेंडन, ऑप्शन सी मसल्स एंड ऑप्शन डी लिगामेंट। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी लिगामेंट इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि बोन से बोन जुड़ती है उसको क्या कहेंगे, लिगामेंट। टेंडन किसको कहेंगे, मसल्स और बोन जुड़ती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, अमंग द फॉलोइंग डिजीज विच इज एयरबोन। यानी कि इनमें से कौन सी डिजीज है जो एयरबोन डिजीज
होती है। ऑप्शन ए वायरल कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन बी अक्यूट पोलियोमेलाइटिस, ऑप्शन सी डिप्थीरिया एंड ऑप्शन डी मीजल्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करें। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मीजल्स। मीजल्स क्या होती है, एयरबोर्न डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अर्बन सब सेंटर इस्टैब्लिश्ड एट, अर्बन जो सब सेंटर होता है कितनी पॉपुलेशन पे इस्टैब्लिश्ड होता है। ऑप्शन ए 3000 पॉपुलेशन पर, ऑप्शन बी 1000 पॉपुलेशन पर, ऑप्शन सी 5000 पॉपुलेशन पर, ऑप्शन डी 10000 पॉपुलेशन पर। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 5000 पॉपुलेशन पर अर्बन जो सब सेंटर है वो इस्टैब्लिश्ड होता है। एंड जो रूरल जो होता है, रूरल की बात करें तो रूरल होता है 3000 पॉपुलेशन पर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विथ मीजल्स बिलोंग टू व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंशन। यानी कि कोई चाइल्ड है जो मीजल्स से ग्रसित है तो उसको आइसोलेशन करेंगे तो वो कौन सा ट्रीटमेंट कहलाएगा या प्रिवेंशन कहलाएगा। तो ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टर्शरी एंड ऑप्शन डी इंटरमीडिएट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो ऑप्शन ए प्राइमरी। ठीक है, लेवल ऑफ प्रिवेंशन की बात हो रही है तो यहां पर प्राइमरी इसका क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th, द बोन डेड प्रोटेक्ट द ब्रेन इज कॉल्ड। यानी कि जो ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करने वाली बोन है उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए स्टर्नम, ऑप्शन बी क्रेनियम, ऑप्शन सी क्लेविकल, ऑप्शन डी पेल्विस। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो ऑप्शन ए को ब्रेस्ट बोन कहते हैं, ऑप्शन ए को ब्रेस्ट बोन कहते हैं स्टर्नम को। नेक्स्ट जो क्रेनियम होती है उसके अंदर ब्रेन सिचुएटेड होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रेनियम। और क्लेविकल बोन को क्या कहेंगे हम, ब्यूटी बोन कहते हैं। ठीक है, ब्यूटी बोन कहते हैं इसको। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रोथ हार्मोन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन इज सीक्रेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है, जो जीएच होता है, एंड सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन होता है, ठीक है, वो कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड, ऑप्शन बी टेस्टिस ग्लैंड, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। जो ग्रोथ हार्मोन होता है और जो सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन है वो कहां से सीक्रेट होते हैं, वो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ मेम्ब्रेन दैट कवर्स लंग्स। लंग्स को कौन सी मेम्ब्रेन कवर करती है। ऑप्शन ए मेनिंजियस, ऑप्शन बी प्लूरर, ऑप्शन सी पेरिटोनियम एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। मेनिंजियस जो होती है वो ब्रेन को कवर करती है, नेक्स्ट प्लूरर जो होती है लंग्स को कवर करती है, एंड लास्ट वन थर्ड पेरिटोनियम जो एब्डोमिनल को कवर करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लूरल। ठीक है, जो लंग्स को जो कवर करती है वो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शार्प इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय। ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी बॉइलिंग, ऑप्शन सी हॉट एयर ओवन एंड ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, सीजर्स वगैरह, उसको स्टरलाइजेशन करने के लिए कौन सा मेथड यूज में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए ऑटोक्लेव को तो करते हैं, ऑप्शन बी बॉइलिंग को नहीं करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन सी हॉट एयर ओवन से भी करते हैं एंड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से भी करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बॉइलिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13,
द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 4.55 से 5.55। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सेकेंड 7.35 से 7.45। ऑप्शन सी 9.0 से 9.75 एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7.35 से 7.45, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नॉर्मल जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है, 7.35 से 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड मल्टीपर्पज वर्कर्स फॉर इंश्योरिंग प्रॉपर कवरेज ऑफ हेल्थ सर्विस, यानी कि जो मल्टीपर्पज जो वर्कर की जो कमेटी है वो किसने दी थी? ऑप्शन ए मुडलर कमेटी, ऑप्शन बी करतार सिंह कमेटी, ऑप्शन सी बोहरे कमेटी एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करतार सिंह कमेटी। जो मल्टीपर्पज जो वर्कर की जो कमेटी दी थी वो किसने दी थी, करतार सिंह जी ने। ठीक है, करतार सिंह जो कमेटी उसने दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। द फर्स्ट रेफरल यूनिट, यानी कि फर्स्ट रेफरल यूनिट एज पर NRHM गाइडलाइन, NRHM के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है? तो ऑप्शन ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ऑप्शन बी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ऑप्शन सी रूरल हॉस्पिटल एंड ऑप्शन डी रूरल हेल्थ इंस्टीट्यूट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसका करेक्ट आंसर होगा। रेफरल यूनिट किसको कहते हैं, फर्स्ट रेफरल यूनिट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को। क्वेश्चन नंबर 16। कंडक्टिंग पेप स्मेयर एग्जामिनेशन टू डिटेक्ट कैंसर सर्विक्स इज, तो ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन को, ऑप्शन बी सेकेंडरी प्रिवेंशन को, ऑप्शन सी टर्शियरी प्रिवेंशन को एंड ऑप्शन डी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन को। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। MMR वैक्सीन इज गिवन एट द एज ऑफ, यानी कि मिजल्स मम्स एंड रूबेला जो वैक्सीन होता है वो कौन सी एज में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए 9 to 12 months, ऑप्शन बी 6 weeks, ऑप्शन सी 8 births एंड ऑप्शन डी 5 years। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 9 to 12 months के अंदर हम MMR वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड करते हैं बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द इन्फंट पोस्टीरियर फंटनल्स यूजली क्लोज्ड बाय, तो ऑप्शन ए 6 to 8 weeks, ऑप्शन बी 3 to 6 months, ऑप्शन सी 12 to 18 months, ऑप्शन डी 9 to 12 months। यानी कि जो इन्फंट होता है उसका पोस्टीरियर जो फंटनल होता है वो कब फील होता है, क्लोज्ड होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 to 8 weeks, यानी कि 6 to 8 weeks के अंदर जो पोस्टीरियर जो फ्रंटनल है वो क्लोज्ड हो जाता है इन्फंट के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? तो ऑप्शन ए 20 to 30 per minute, ऑप्शन बी 30 to 40 per minute, ऑप्शन सी 40 to 60 per minute एंड ऑप्शन डी 60 to 70 per minute। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 40 to 60 breathing per minute। जो न्यूबॉर्न जो बेबी होता है उसकी नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, 40 to 60 breath per minute। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज एक्टिव टिल, तो ऑप्शन ए 6 to 10 weeks तक, ऑप्शन बी 12 to 14 weeks, ऑप्शन सी 16 to 18 weeks और ऑप्शन डी 20 to 22 weeks।
तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 12 से 14 वीक इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21वां, पोलियोमेलाइटिस इज कॉज्ड बाय, पोलियोमेलाइटिस जो होती है वो किसके कारण होती है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी वायरस एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ अबव। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वायरस, वायरस से क्या है पोलियोमेलाइटिस होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22वां, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी बेस्ड ऑन इट इज वेट इज। ऑप्शन ए बाइसेप, ऑप्शन बी ट्राइसेप, ऑप्शन सी मेस्टर्स एंड ऑप्शन डी डेल्टॉइड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मेस्टर जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स होती है ह्यूमन बॉडी के ऑन द बेसिस ऑफ वेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23वां, डेफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेटिंग प्लेटलेट्स इज द टर्म एस, प्लेटलेट की जो कमी हो जाती है उसको क्या कहेंगे। तो ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन सी ल्यूकेमिया एंड ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सिकल सेल जो एनीमिया जो डिजीज है वो होती है आरबीसी की वजह से, एंड ल्यूकेमिया जो होती है वो डब्ल्यूबीसी की वजह से होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24वां, द वैक्सीन विच इज द मोस्ट सेंसिटिव टू हीट, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो हीट से सेंसिटिव होती है। ऑप्शन ए डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया पर्टिसिस एंड टिटेनस वैक्सीन, ऑप्शन बी टाइफाइड वैक्सीन, ऑप्शन सी पोलियो वैक्सीन एंड ऑप्शन डी बीसीजी वैक्सीन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन जो होती है वो हीट सेंसिटिव होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25वां, नॉर्मल टिडल वॉल्यूम इन द एडल्ट इट इज अबाउट, यानी कि एडल्ट के अंदर नॉर्मल टिडल वॉल्यूम कितनी होती है। तो ऑप्शन ए 900 ml, ऑप्शन बी 400 ml, ऑप्शन सी 350 ml एंड ऑप्शन डी 500 ml। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो ऑप्शन डी 500 ml यानी कि 500 ml हमारी नॉर्मल टिडल वॉल्यूम होती है एडल्ट के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26वां, ट्रेकेस्टोमी इज यूजुअली परफॉर्म्ड बिटवीन द ट्रेकियल रिंग, जो ट्रेकेस्टोमी जो करते हैं वो कौन सी रिंग के बीच में करते हैं। ऑप्शन ए फोर्थ एंड फाइव, ऑप्शन बी थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी सेकेंड एंड थर्ड एंड ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकेंड। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थर्ड एंड फोर्थ रिंग के बीच में, जो ट्रेकल जो रिंग होती है उसके बीच में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27वां, द फूड आइटम विच हैज हाईएस्ट कैलोरी, कौन से फूड के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैलोरी पाई जाती है। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट एंड ऑप्शन डी विटामिन्स। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें। कार्बोहाइड्रेट में होती है हमारी 4 किलो कैलोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन के अंदर होती है 4 किलो कैलोरी एंड फैट की बात करें तो फैट में होती है 9 किलो कैलोरी। तो सबसे ज्यादा हमारा कैलोरी किसके अंदर पाया जाएगा, तो ऑप्शन सी फैट के अंदर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28वां, VDRL इज यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ, VDRL जो टेस्ट होता है वो किस डिजीज के लिए करते हैं। ऑप्शन ए HIV, ऑप्शन बी TB, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी सिफिलिस। तो हमारा करेक्ट आंसर है
ऑप्शन डी सिफेलिस के लिए हम VDRL करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29वां, वेयर इज द टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर सिचुएटेड। बॉडी के अंदर टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम कहाँ पे सिचुएटेड होता है? तो ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी पॉन्स एंड ऑप्शन डी मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस में क्या है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30वां, विच इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर इन्फंट मोर्टालिटी रेट का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो ऑप्शन ए प्री मेच्योरिटी, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी कंजिनेटल मालफॉर्मेशन एंड ऑप्शन डी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करें। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्री मेच्योरिटी, IMR का सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है। तो आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, MCQs क्वेश्चंस के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।